ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। चिड़ैया घोंसले को छोड़ उड़ उड़ जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं झुंझुनू समाचार। आज हम रामलाल शिक्षण संस्थान अलसीसर में मौजूद हैं, जहां पर प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। पता है कि माँ एक घर की रोशनी होती है। जब हम घर पे जाते हैं तो सबसे पहले घर के अंदर हम कुछ नहीं देखते, सिर्फ अपनी माँ को ढूंढते हैं, क्योंकि जब घर के अंदर माँ नहीं होती तो घर सूना सूना लगता है कि मतलब कुछ चीज मिसिंग है घर के अंदर। तो हम सबसे पहले जाते तो एक ही आवाज लगाते कि मम्मी मम्मी कहाँ हो, तो मम्मी दिख जाती है तो घर के अंदर एक खुशी होती कि हाँ मम्मी घर पर ही है। तो आप सभी के लिए मैं एक माँ के ऊपर सॉन्ग पेश करना चाहती हूँ, अच्छे से सुनना ध्यान लगा के। तो कितनी अच्छी है तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ जाने ये किसका साया है, जाने ये किसकी आहट है। अंधेरे में उन हाथों ने मुझे बाहों में खींच लिया, एक ने मुझ पे हाथ रखा और एक ने आंचल खींच लिया। नारी के सम्मान को मिलकर तार तार सकल डाला, फिर मर्यादा के आंचल को जार जार सकल डाला। मारा है मुझको पीटा है बालों से पकड़ कर घसीटा है, बर्बरता की उन सारी सीमाओं को तोड़ दिया, फिर उन घनी अंधेरी सड़कों पर अकेला तड़कता छोड़ दिया। सन्नाटा में सीख रही थी ऊंचे रस्तों को खाया, सबने तस्वीरें खींची लेकिन कोई मदद को आगे नहीं आया। मदद करो मदद करो चीख चीख कर चीख भी मुझसे रूठ गई, जब होश में आई समाज की बातें तो वो भी सुनकर एट गई। परिवार की बदनामी होगी से मुझे यही समझाते रहे, परिवार की बदनामी होगी से मुझे यही समझाते रहे। ये नई उम्र के लड़के हैं, ये थोड़ा तो बहक जाते हैं, तुम लड़की हो दुनिया वाले तुम पर ही प्रश्न उठाएंगे, क्यों कोई नहीं था साथ में, क्यों निकली इतनी रात में, क्या मेकअप था क्या गहने थे क्या छोटे कपड़े पहने थे। इन प्रश्नों की भूल भुलैया में सच्चाई कहीं खो जाती है, इन प्रश्नों की भूल भुलैया में सच्चाई कहीं खो जाती है। सब भूल जाओ कहने वालों सब भूल जाओ, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है। और सबसे पहले उसमें 2020 में इस विद्यालय में टॉपर जो छात्रा रही थी शांकू फोर्ट चूरू से,
अखिल मोगा विनोद कुमार खारिया से है 92.33 प्रतीक्षा ने 92.40 प्रतिशत अंक हासिल किए। घर में सिर्फ बेटी और बाप दो रहते हैं और उन बच्चों के कितना मतलब जुनून है पढ़ने का, जिद की इन्होंने तो भविष्य में पढ़ाई के लिए पूरी तरह से समर्पित इनके लिए। इसके बाद भुवनेश्वर का और अच्छा मुकाम बनाया है। इसके बाद हर्षवर्धन शर्मा ओम प्रकाश शर्मा बासड़ी से है, आपने आपको चेक प्रशस्ति पत्र बिल्कुल डाबली ढाणी चूरू जिले में आती है विजयपुरा ग्राम पंचायत में और राजगढ़ तहसील में और सबसे खुशी जोरदार तालियां इनके लिए। इसके बाद सिमरन नजीर खान रावत सर 94.50% आपके दादाजी आपके साथ है इनके लिए भी। सुने जिस घर में नारी का मेहनत और लगन से तैयारी करके अपना नाम। इसके बाद अनामिका सत्यपाल सिंह लोसना छोटा आपने 90.20% अंक हासिल किए हैं। इसके बाद प्रियंका डाबली ढाणी से है आपने 90.20 मार्क्स हासिल किए हैं। देख रहे थे कि वो सोहा बेटी कौन सी है जिसने इस तरह का एक इतिहास रचा है। अब मैं बुला रहा हूँ आपको, जितनी तालियां बजानी है जोर से बजा दीजिए, ये सोहा का स्वागत है और मैं बुला रहा हूँ आपकी जोरदार कर आपके उनके जितने भी परिवार के सदस्य आए उनको कि मंच पे आए। ये वही सोहा खान है जिसने पूरे राजस्थान में 100 में से 100 अंक हासिल करके इतिहास रचा है। देख लीजिए सोहा खान को आप, जो बच्चे अभी तक सोहा खान को नहीं देख रहे थे, ये बिल्कुल दिव्यांग है सोहा खान और इसने 12वीं आर्ट्स में एक सब्जेक्ट जयपुर से इनको टीम आके घर पे सम्मानित करके गई है। झुंझुनू से कई टीमों ने इनको यहाँ घर पे आके सम्मान दिया है। तो इसी विद्यालय के सोहा खान ने बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इन्होंने बोर्ड परीक्षा में 100 में से 100% अंक प्राप्त कर पूरे जिले भर में, पूरे राज्य में, पूरे देश में अपना नाम कमाया है। वहीं इनको बड़े बड़े मंचों पर सम्मानित किया जा रहा है। आज सोहा हमारे साथ मौजूद है तो इनसे इनकी सफलता की कहानी जो है वो जानते हैं। थैंक यू आपका बहुत ज़्यादा, मैं आप सभी का बहुत दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। मैं सोहा खान, मैं 12th आर्ट्स में 100 में से 100 नंबर हासिल किए हैं और मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगी, मेरी सफलता कि मैंने लगातार मेहनत की है और मैंने आज का काम कल पर नहीं छोड़ा था और एक रोज रखे का फिक्स किया था कि भाई लड़कियों को आगे बढ़ना है, आगे जुनून करना है और रिविजन मेरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि रिविजन बहुत ज़्यादा करना और एक खुद को समझा के पढ़ना और एक मेरी जो टेस्टों में जो प्री बोर्ड में गलतियाँ हुई थी वो मैंने वो सुधार की थी और हमारा स्टडी ग्रुप था हमारी जो सहेलियाँ उसमें हमने सिर्फ पढ़ाई के अलावा कुछ भी बातें नहीं करती थी और पढ़ाई के बारे में घर में मम्मी मेरी बहनें मोटिवेट करती थी और टीचर्स भी मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट देते थे, इसलिए मैं अपने टीचर्स को सबसे ज़्यादा सपोर्ट यानी थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने मेरी इतना अच्छा मेरा साथ दिया है, इसलिए मैं आपको ये कहना चाहूँगी आप लगातार मेहनत कीजिए। थैंक यू। आप जगह जगह सम्मानित हो रहे हैं, बड़े बड़े मंच आपको मिल रहे हैं सम्मान करने के लिए, कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है लेकिन मेरे लिए यह कामयाबी नहीं है क्योंकि ये तो कामयाबी की सीढ़ी है, कामयाबी असली कामयाबी मेरे लिए IAS बनना है और मैं उस दिन मैं IAS बन जाऊँगी तो मेरे लिए वो कामयाबी है, ना कि ये कामयाबी। नंबर तो आज ज़्यादा है तो कल कम, इसलिए मैं नंबर मायने नहीं रखती, अपना नॉलेज मायने रखती हूँ कि मेरे पास नॉलेज कितना है। इस सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहोगी? मैं अपने मनफुल जी शिवरान सर जो हमेशा ऐसे कहते खामोशी से काम करो कामयाबी अपने आप शोर मचाएंगी, इसी बात से मैं उत्प्रेरित होकर मैंने इन मेहनत की थी और सर को बहुत ज़्यादा थैंक यू। सोहा का परिवार मेरे साथ मौजूद है, इनके बड़े पापा आज यहाँ मौजूद हैं तो इनसे भी जानते हैं कि सोहा को आज बड़े बड़े मंचों पर सम्मानित किया जा रहा है, परिवार को क्या फीलिंग हो रही है, कैसा आप महसूस कर रहे हैं? जी हमें ये बड़ी खुशी हो रही है और ये इसकी जो सफलता है इसका श्रेय हमें या इसको नहीं बल्कि इसके गुरुजनों दिया जाना चाहिए और ख़ास करके इस स्कूल के हम बड़े आभारी हैं और मैं तो यही कहूँगा कि हमने तो इनको कांच का एक टूटा हुआ टुकड़ा ही दिया, इन्होंने ऐसा तरह सा हीरा बना दिया।
तो आप क्या देखना चाहेंगे कि सोहा भविष्य में क्या बने, आप लोगों का नाम रोशन कैसा करें? सोहा भविष्य में सबसे पहले तो एक अच्छा इंसान, कहते हैं सफलता के साथ अहंकार भी आता है, तो मैं तो यही कहूँगा कि अहंकार को दूर रखें। और मुझे हमारे ईश्वर के प्रधानमंत्री लाल शास्त्री जी की प्रिय पंक्तियाँ नानक जी की हमेशा याद रहती हैं कि नानक नन्हे ही रहियो जैसे नन्हे धूप, रूख सूख जाएंगे धूप खूब की। तो सफलता के साथ अहंकार से दूर। लाइन से चलेंगे सभी बच्चे। जैसा कि परिवार यहाँ मौजूद है, सोहा मौजूद है, उन्होंने बताया कि हमें जो सफलता है वो गुरुजनों की ये देन है, ये सफलता। इसी आज हम ऐसी शख्सियत के साथ खड़े हैं जो मलसीसर तहसील की हर जन की जुबा पर है, रामलाल स्कूल अलसीसर के बच्चों की प्रेरणा है, इवन क्षेत्र के बच्चों की प्रेरणा है, अनिल जी शोराण, जो वर्तमान में यूपी भदोही में SP के पद पर पदस्थापित हैं। तो यहाँ तक का सफ़र है वो इनसे जानते हैं। थैंक यू विकास जी। मेरी पैदाइश गांव में हुई, ग्रामीण पृष्ठभूमि से मैं हूं, और चौथी क्लास तक मैं जो हमारे गांव के नज़दीक मियाँ गवास स्कूल थी प्राइमरी स्कूल, उसमें पढ़ा हूं। उसके बाद शहर में मैं कुछ एडेड स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल्स में मैंने अपनी शिक्षा पूरी की है, और MBBS मैंने SN मेडिकल कॉलेज जोधपुर से पूरा किया है, और इससे पहले मैं रेलवे में था, और अभी IPS में मैं SP पदवी के पद पर कार्यरत हूँ। सर, आपने साइंस स्ट्रीम चुना, MBBS आपने क्रेक की, फिर UPSC की तैयारी की, और ये पुलिस सेवा में जाने का सफ़र, इसके पीछे क्या कारण रहा? देखिए, जैसे जैसे मुझे मार्गदर्शन मिलता गया मैं उसी रास्ते को चुनता चला गया। 10th के बाद जब मेरे ठीक ठाक परसेंटेज आए तो मुझे मेरे घर वालों ने और पड़ोसियों ने इच्छा जाहिर की कि तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए, तो मैंने उस फील्ड को चुना। और जब मैं मेडिकल कॉलेज में गया तो वहाँ पे मेरे सीनियर्स जो हैं उनसे मुझे सिविल सर्विसेज के प्रति लगाव और प्रेरणा उनसे प्राप्त हुई, तो फिर मैं उस फील्ड में चला गया जहाँ पे मैं आज हूँ। बिल्कुल सर, आपका ग्रामीण परिवेश रहा, आपने बताया कि मुझे जो है गाइड मिलती गई और मैं रास्ता अपने आप मुझे मिलता गया, तो आप क्षेत्र के युवाओं को क्या इसके पीछे इस बारे में लेके क्या बोलना चाहेंगे कि कैसे वो गाइडेंस प्राप्त करें और किस राह को चुनें? देखिए, आज के समय बच्चों को गाइड करने वाले और सपोर्ट करने वाले काफ़ी लोग हैं। जैसे इस क्षेत्र में भी मैं पुराने समय में सुना करता था कि यहाँ पे साइंस की कोई स्कूल नहीं हुआ करती थी, और इसी वजह से डॉक्टर्स की संख्या के मामले में सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। आज यहाँ एक से बढ़ के एक साइंस की स्कूल्स हैं। इसी तरह से ऑनलाइन से लेके और मोबाइल फ़ोन तक जो है वो संपर्क करके गाइडेंस और सपोर्ट करने वाले आजकल बहुत हैं। ज़रूरत है कि सही आदमी को पहचान के और अपनी सही दिशा में आगे बढ़ा जाए। सारी बातें हमने सुनी अनिल जी से की है, इन्होंने अपना यहाँ तक का सफ़र हमें बताया है, यूपी से लेकर राजस्थान तक इनकी चर्चा है, हर कदम पे इनकी हर कदम जो है वो इनको लेकर चर्चा में रहते हैं, तो ये चर्चा भी इनसे जानते हैं कि वहाँ से लेकर यहाँ तक की चर्चाएँ। सर देखिए, चर्चाएं तो हमारी नौकरी में चलती रहती हैं, जहां काम करते हैं वहां चूँकि पब्लिक से हमारी डीलिंग रहती है, पब्लिक से संपर्क रहता है, और क्राइम भी एक ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ मीडिया के लिए रहती है जिससे हमें रूबरू होना पड़ता है, दो चार हाथ करना पड़ता है, तो चर्चाएं तो खैर आप लोगों की देन है। मिलता है, ऊर्जा मिलती है, खुदाई का नूर मिलता है, जो आ गया आपकी शरण में जनाब इस्माइल साहब, उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है, या तो जेल मिलती है या कुछ वाहवाही मिलती है। तो जोरदार तालियों के बीच में मंच पे बुला रहा हूँ जनाब इस्माइल खान, ASP ACB झुंझुनू साहब, मैडम योगिता जी, SP साहब और संस्था प्रमुख साहब, मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करूंगा संस्था का कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, और इन प्रति जो यहाँ की जो प्रतिभाएं हैं उनसे मुझे मिलाया, जो 100% नंबर ला रहे हैं। हमारे टाइम के होशियार बच्चे हुआ करते थे, मैंने 1980 में 10वीं पास की, उस समय हमारी 10वीं का रिजल्ट था 33%। 33% का मतलब है 33 लड़के पास हुए, 67 लड़के फेल हुए। उस 33% में मैं स्कूल में प्रथम था, और आप मेरी परसेंटेज सुनोगे तो आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, 44% मार्क्स लेके मैं स्कूल में प्रथम था। और आज आपकी आप भाग्यशाली हैं कि शिक्षा का स्तर कितना बड़ा है, क्या 100% मार्क्स ले रहे हैं। मैं हायर सेकेंडरी में आया तो 60% के साथ स्कूल में फर्स्ट था,
आज शिक्षा का स्तर बढ़ा है और मुझे बड़ी खुशी है कि इस संस्था ने इतने प्रतिभावान छात्रों को दिया है जिनसे मिलकर मुझे आज बड़ी खुशी हुई है। मैंने देखा सोहा खान जो दिव्यांग बताई, जिनको देखा मेरे जीवन में, मैं बहुत दिव्यांगों से मिला हूँ, दो दिव्यांगों से मैं पहले प्रभावित था, एक हमारे चूरू में थे जीएन अंसारी, एक थे दूली चंदी सरपंच है दुल्लापुर केरी, और तीसरी है सोहा खान बच्ची, उससे प्रभावित हुआ। तीनों के मैं खास बात बताता हूँ कि हमारे चूरू में जीएन अंसारी साहब है जिनके दोनों टांगे नहीं थी, उनको किसी की मदद की जरूरत पड़ती है चलने के लिए, वो पेंटर का काम करते थे, तो दिव्यांगजन के जो राजस्थान के मंत्री जी चूरू पधारे और उन्होंने जीएन अंसारी साहब से कहा कि साहब मैं इसका प्रभारी मंत्री हूँ, आप विकलांग हो और आपको कोई मदद चाहिए तो मुझे बताएं, तो हम वहीं बैठे थे तो वो जीएन अंसारी साहब स्कूल भी चलाते थे, उन्होंने कहा साहब मैं विकलांग हूँ लेकिन मैं मन से विकलांग नहीं हूँ, मैं आपको कोई आवश्यकता हो ना तो मुझे बताइए, मैं तो देता हूँ लेता नहीं हूँ, मैं स्कूल चला रहा हूँ, इसलिए पहले मेरे जो दिव्यांग जिनसे प्रभावित हूँ वो थे। दूसरे दूली चंद जी तो ब्लाइंड है, तो कई बार सरपंच रहे, कई बार डायरेक्टर रहे, और जब हमारे पास आते थे तो सच्चाई को लेके थाने में, अगर पार्टी कोई गलत है तो हमारे सामने उसको कहते थे भैया ऊपर वाले ने मेरे को वैसे आके नहीं दिए तो मेरे को क्या कराएगा। आज तीसरी बच्ची से मिले हैं सोहा खान, इसका कॉन्फिडेंस देखा, इसकी पढ़ाई देखी 100 नंबर, तो ये सोच के बड़ी खुशी होती है 100 में से 100 इसने अपने मलसी सर का, झुंझुनू का और शिक्षण संस्थान का पूरे भारत में नाम किया है। और बच्चों को श्रीमान रामलाल जी को जिनके सानिध्य में और जिनके लगाए हुए वटवृक्ष के नीचे आज सब लोग हम एकत्रित हुए हैं। इसी के साथ दिए सी हो जिंदगी पहचान वजूद की, सिर्फ रोशनी हो, सिर्फ रोशनी हो। जी हाँ, इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ इस रामलाल जी शिक्षण संस्थान के प्रबंधन, यहाँ के डायरेक्टर, प्रधानाचार्य, समस्त यहाँ का स्टाफ, यहाँ के बच्चे, बाहर से आए हुए सभी अभिभावकगण, आप सभी का हृदय की गहराइयों से खूब सारा आभार कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। प्रतिभा सम्मान समारोह की आज की इस दोपहर में आप सब लोगों का जुनून, आए हुए अभिभावक और उनके द्वारा जो गाइडेंस अपने बच्चों को दी गई, और इसी के साथ इस शिक्षण संस्थान का जो टीचिंग स्टाफ है वो अपने आप की एक अनूठी छाप पूरे शेखावटी में आज बिखेर रहा है, जिसके लिए मैं पुनः यहाँ के स्टाफ और यहाँ के प्रबंधन को खूब सारा धन्यवाद देती हूँ। एसीपी साहब इस्माइल खान जी और प्राचार्य देवी साहब गर्ल्स कॉलेज पधारी भी सभी मेहमान मानो या हमारे जो अभिभावक हैं, स्टाफ के समस्त सदस्य, मुझे अब मैं स्टेज पर आज खड़ा हुआ तो मेरा जो एक छोटा बच्चा, मैं जब रोज इंटरवेल में इस स्कूल में आता हूँ तो मुझे सीढ़ियों में बैठा हुआ मिलता है, शायद आज उनकी छुट्टी कर दी, वो छुट्टी के टाइम में गेट की तरफ देखता रहता है और जब भी मैं आता हूँ तो दौड़ के आता है कि दादाजी आ गए। मैं नहीं जानता कौन है, कौन से गांव से है, लेकिन रोज का नियम है उसका, मैं इसके लिए रोज़ एक टॉफी लाता हूँ। और आज वो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, मैं उनसे मिलने के लिए आता हूँ। ये कार्यक्रम बच्चों के इनाम का है और इनाम के जो अभी बता रहे थे मेरे को अंसार जी कि मैंने सबसे पहले जब स्कूल खुला तो 89% जो बच्चा लाएगा मैंने घोषणा की कि उसको 35,000 रुपये देंगे। पहले साल किसी बच्चे के नहीं है, दूसरी साल एक बच्चे के 89% आए और उस बच्ची को 35,000 रुपये का इनाम दिया। मैंने सोचा अब थोड़ा बढ़ा देते हैं क्योंकि 89% तो आ जाए हैं, फिर मैंने 92% कर दिया बढ़ा कर। अगले साल फिर एक बच्ची वही टमकोर गांव की थी, उसने 92% ला दिया। तो
हमारे भाई ने भी कहा कि भाई 92 तो बहुत आ जाएंगे, तो मैंने सोचा कि हम मेरिट का नाम दे देते हैं। तो मैंने कहा भाई जो मेरिट में आएगा उसको 51,000 रुपये देंगे। अब तो बोर्ड मेरिट घोषित नहीं कर रहा है। और जब मैंने मेरिट की घोषणा की, 10वीं क्लास में 1 साथ 3 बच्चों की मेरिट आ, तो मेरे को भी लगा कि भाई ये तो काम गड़बड़ हो गया कि, और इस तरह से, तो मैंने अपने भाई से कहा कि इसको बंद कर दूं क्या, ये तो मेरिट तो ज़्यादा आने लगी। और उन्होंने कहा बंद नहीं करना है, अपने को तो इन्हीं के लिए काम करना है। और आज 101 बच्चे दोनों साल के मिलाकर के 90%, तो अभी वह डीसीपी साहब कह रहे थे कि मेरे तो 47% आए, बहुत नाचे कि भाई इतने परसेंट है, सेकेंड डिवीज़न आ गई, बहुत खुशी हुई। तो इन्होंने कहा परसेंटेज, मैंने कहा परसेंटेज 100 के आगे भी बढ़े, तो 100% का आंकड़ा छू लिया। बच्चों के पास इतनी जानकारियां हैं, जो अच्छे बच्चे हैं वो अपने कंप्यूटर से मोबाइल से सीख लेते, बुराई वालों को छोड़ दे तो, और वो इतनी अच्छी चीज़ें लिखते हैं कि जो टीचर भी नहीं जानता। खैर, स्कूल के विद्यालय के बहुत अनुभव, बहुत सी बातें हैं, लेकिन हमारे मेहमान हैं। एक बार इन मेहमानों का मैं और उन्हें हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं, और बच्चों के लिए आने के लिए और अपना समय निकाला उनके लिए भी मैं बहुत बहुत आभारी हूं इनका। बच्चों से मैं मिलता रहता हूं, रोज़ सुनते रहते हैं, बहुत सी बातें हैं, बहुत से अनुभव हैं, लेकिन आज तो हमें हमारे मेहमानों के और मार्गदर्शन या मेहमानों के अतिथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।